दोस्तों मैं छोटी सी जानकारी आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, छोटी सी बात इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। जिन भी पीएफ धारकों का पीएफ अकाउंट डिसेबल्ड हो रखा है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। दोस्तों मेरे कहने से आपको दो काम जरूर करने हैं जो पीएफ अकाउंट में, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या काम करने हैं। साथ ही दोस्तों देखिए, जो काम मैं आपको बताऊंगा उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट आपको होगा, डिसेबल्ड अकाउंट हो रखा है तो अगर आप बार बार यूट्यूब चैनल पर सर्च करते हो कि डिसेबल्ड अकाउंट को कैसे ठीक करें, या फिर आप बार बार कमेंट करते हो किसी की वीडियो पर कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, किसी भी दुकानदार, किसी भी जनसेवा केंद्र या किसी भी EPFO जो भी काम करता है उससे आप बोल दो कि हम आपको इतना पैसा पे कर देंगे, हमारा अकाउंट एनेबल करा दो। तो दोस्तों ये सब काम आपको नहीं करने हैं क्योंकि आपका डिसेबल्ड अकाउंट कोई भी ठीक नहीं कराने वाला है और ना ही होगा। वो चीज़ दोस्तों आपको ही कराना पड़ेगा। यूट्यूब पर भी यूट्यूबर्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं आपका जो डिसेबल्ड अकाउंट हो रखा है उसको एनेबल करके नहीं दे सकते हैं। मेरे कहने से दोस्तों आप सबसे पहले दो काम कर लीजिए, मैं आपको बता दूं क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप अपने डिसेबल्ड अकाउंट को लेकर एक ग्रैवेंस रजिस्टर जरूर करिए। ग्रैवेंस रजिस्टर किस तरीके से करनी है, आपको अपने डिसेबल्ड अकाउंट्स को लेकर किस तरीके से करनी है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से देख के अपने ग्रैवेंस को रजिस्टर कर दीजिए EPFO की वेबसाइट पर। अभी दोस्तों आप ग्रैवेंस रजिस्टर करने के बाद आपको करना क्या है, अब मैं आपको बता दूं, आप एक बार कम से कम एक बार किसी भी तरीके से समय निकालकर, थोड़ा सा समय निकालकर अपने पीएफ ऑफिस जरूर जाइए। जो भी आपका रीजनल पीएफ ऑफिस पड़ता है, जो भी आपके पीएफ अकाउंट का रीजनल ऑफिस पड़ता है उसमें आप एक बार विजिट के लिए जरूर जाइए। वहाँ पर जानकारी लीजिए, उनको बताइए हमने ग्रैवेंस भी रजिस्टर किया है, हमें इस तरीके से जवाब आ रहा है या फिर कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, ये कब तक ठीक होगा, क्या हमें करना होगा, हमें बहुत परेशानी है। अगर आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तो आप उनसे बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। अगर आप एक अधिकारी से बात करके संतुष्ट नहीं हो, आप बोल सकते हो आपके उच्च स्तर का जो कर्मचारी है हमें हमारी उससे बात कराइए ताकि हम अच्छे से नॉलेज ले पाए हमें करना क्या होगा। दो दो दिन, ढाई ढाई तीन तीन साल हो चुके हैं लोगों का पीएफ अकाउंट डिसेबल्ड की प्रॉब्लम ठीक नहीं होने हमारी है। अभी दोस्तों क्या EPFO को पता सारी बात है कि लोगों के डिसेबल्ड अकाउंट हो रखे हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ग्रैवेंस भी बहुत सारे पीएफ धारक रजिस्टर करते हैं EPFO की वेबसाइट पर। अभी मेरे कहने से दोस्तों प्लीज़ ये दो काम आप करके देखना, अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो बता रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा EPFO ऑफिस का, EPFO का किस तरीके से काम करते हैं, क्या वो बोलते हैं, क्या वो करते हैं, आपको सारी बातें पता चल जाएगी। साथ ही ग्रैवेंस रजिस्टर जरूर करें, ग्रैवेंस रजिस्टर करना बिल्कुल ना भूलें। एक ग्रैवेंस कंप्लीट आपके जब आ जाए उसका रिप्लाई, अपना रिप्लाई उसको पढ़ें, क्या उन्होंने बताया है, क्या उस पर कार्यवाही हो रही है। उसके बाद अगर आपको लगता है कुछ नहीं तो दोबारा से एक रजिस्टर जरूर करें और उसके बाद देखिए आपको कुछ ना कुछ जवाब जरूर मिलेगा। अभी दोस्तों आपको पीएफओ भी जाकर एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना है, एक बार जरूर जानकारी लेनी है, एक बार जरूर कहना है कि हमारा पीएफ अकाउंट एनेबल करो, किस तरीके से होगा हमें बताइए, हम हर काम करने के लिए तैयार हैं अपने पीएफ अकाउंट को एनेबल कराने के लिए, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट लग रहा हो, किसी भी तरीके का वेरिफिकेशन हो रहा हो, हम सारे कराने के लिए तैयार हैं, पर इसको एनेबल तो करो किस तरीके से, आपको एक बार बात करनी पीएफ ऑफिस में जाके, अपने उसमें थोड़ा सा समय निकाल के जाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी सी बात थी, मुझे कुछ कहना था आपसे, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया आपको। आप डिसेबल्ड अकाउंट के समस्या से आप जूझ रहे हो, आपको पता है कि हमारा पीएफ अकाउंट डिसेबल्ड है, ठीक नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, तो आप इन दो चीज़ों को ज़रूर एक्सपीरियंस करें। अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर यूट्यूबर्स या यूट्यूब की वीडियो से संबंधित आप उस पर ना निर्भर रहें, अपने आप से भी करें। दोस्तों हर यूट्यूबर आपको गाइड कर सकता है, आपका काम करके नहीं दे सकता है, तो सिर्फ हम भी आपको गाइड कर रहे हैं, आपका काम करके नहीं दे सकते, करवाना आपको ही होगा। अगर होगा तो, अगर वेरिफिकेशन होगा तो आपको कराना होगा, वो भी हम नहीं कराने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों पीएफ की नॉलेज आप लेते रहिए, पीएफ से आप जुड़े रहिए कि अगर आप पीएफ धारक हैं आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ कैसे होती है पीएफ में, पीएफ ऑफिसर क्या बोलते हैं, पीएफ ऑफिसर किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, आपको सारी बातें पता चल जाएगा। अगर आप पीएफ के रिलेटेड संबंधित वीडियोस से जुड़े रहोगे, आप पीएफ ऑफिस जाने के बार बार दौरे करते रहोगे, आपका पीएफ अकाउंट कैसे ठीक होगा, आपको इस चीज़ को लेकर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों देखिए, छोटी सी जानकारी आप सबको मुझे प्रोवाइड करनी थी, अब मैंने कर दिया। अगर आपको समझ में आई और आपको अच्छी लगी हो, तो दोस्तों आप चाहते हैं कि आप पीएफ से रिगार्डिंग अच्छे अपडेट और ज़्यादा नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जिन भी दोस्तों को जरूरत है उनको वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ सभी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, बाय, जय हिंद।